दास गुण को ईशोपनिषद का रहस्य नौकरानी द्वारा सिखाना। एक बार दास गुण जी महाराज ने ईशोपनिषद पर ईश्वास भावार्थ बोधिनी टीका लिखनी शुरू की। इस ग्रंथ पर टीका लिखना वास्तव में बहुत ही कठिन कार्य है। दास गुण ने ओवी छंदों में इसकी टीका तो की, पर सार तत्व उसकी समझ में नहीं आया। टीका लिखने के बाद भी उन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं हुई। अपनी शंका का समाधान करने के लिए उन्होंने अनेक विद्वानों से परामर्श किया, परंतु उसका कोई समाधान नहीं हो सका। जब दास गुण को किसी भी तरह की संतुष्टि नहीं हुई, तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि इस समस्या का समाधान वही कर सकता है जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, क्योंकि उपनिषद एक ऐसा शस्त्र है जिसका रहस्य जानने से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए उन्होंने शिरडी जाने का निर्णय कर लिया। फिर अवसर पाते ही वह शिरडी जा पहुँचे और साईं बाबा के दर्शन करके चरण वंदना की। फिर उपनिषद पर टीका लिखने पर आई समस्या और अपनी शंका के लिए बाबा से प्रार्थना की, बाबा आप यदि मेरी समस्या का समाधान कर दें, मेरे सारे परिश्रम पूर्णत होते रहेंगे। आप तो सब कुछ जानने वाले हो, अब आप ही कुछ करें। सब कुछ सुनने के बाद साईं बाबा ने उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए आश्वासन दिया, इसमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कठिनाई ही क्या है, जब तुम वापस लौटोगे तो बिल पार्ले में रहने वाले काका साहेब दीक्षित की नौकरानी तुम्हारी समस्या का समाधान कर देगी। बाबा के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर दास गुण हैरान रह गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, कहीं बाबा मजाक तो नहीं कर रहे। क्या एक साधारण अनपढ़ नौकरानी उपनिषद का रहस्य सुलझा देगी जो मैं न जान सका, जहाँ विद्वानों की बुद्धि हार गई, वह यह कैसे करेगी। लेकिन बाबा की बात तो ब्रह्म वाक्य होती है, अतः वह कभी असत्य नहीं हो सकती। उन्हें बाबा पर पूर्ण विश्वास था। बाबा के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रख दास गुण शिरडी से मुंबई के विले पार्ले में काका साहेब दीक्षित के घर पहुंचे। अगले दिन जब वे सुबह के समय उठे तो उन्हें किसी बालिका द्वारा गीत गाने की आवाज सुनाई दी। गीत का भाव यह था कि लाल साड़ी कितनी सुंदर थी, उसका जरी वाला आंचल कितना सुंदर था, उसके किनारे कितने सुंदर थे। दास गुण को यह गीत बड़ा अच्छा लगा और वे धीरे धीरे गीत के बोल पर झूमने लगे। मन को अद्भुत आनंद प्राप्त हुआ। जब उन्होंने बाहर आकर देखा तो वह गीत काका साहब दीक्षित की नम्या नाम की नौकरानी की बहन बर्तन मांजते हुए गा रही थी। वह मात्र 8 वर्ष की थी और अपनी तन को एक फटी पुरानी साड़ी से ढके हुए थी। दरिद्रता की ऐसी अवस्था में भी वह कितनी खुश थी। उसको खुश देखकर दास गुण का मन दया से भर गया। अगले दिन दास गुण ने भोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान से एक अच्छी सी साड़ी मंगवाकर उस लड़की को दे दी। जब उस बालिका को साड़ी दी तो वह इतनी खुश हुई जितनी खुशी भूखे को भोजन मिलने पर होती है। दूसरे दिन उसने वह नई साड़ी पहनी और नाचने कूदने लगी और गाने लगी। फिर अगले दिन उसने नई साड़ी को संभाल कर रख दिया और पहले की तरह ही फटी पुरानी साड़ी पहनकर काम पर आ गई। लेकिन नई साड़ी पहनने पर जो खुशी कल उसके चेहरे पर झलक रही थी, वह आज भी विद्यमान थी। उसे देखकर दास गुण की दया आश्चर्य में बदल गई। दास गुण विचार करने लगे कि गरीबी के कारण उसे फटे पुराने वस्त्र पहनने पड़ते थे, लेकिन अब तो उसके पास नई साड़ी थी। फिर भी उसने नई साड़ी को संभाल कर रख दिया था और फटे पुराने कपड़े पहन कर भी उसके आनंद में कोई कमी नहीं आई थी। उसके चेहरे पर दुख या निराशा के भाव जरा भी नहीं आए थे। उसे दोनों स्थितियों में खुश देखकर दास गुण समझ गए कि सुख और दुख केवल अपनी मनोस्थिति पर निर्भर हैं, और ईशावास्य का रहस्य उसकी समझ में आ गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परमात्मा ने जो कुछ दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और जो भी जैसी भी स्थिति है उसी परमात्मा का कृपा प्रसाद है। यह स्थिति निश्चित ही सुखद रहेगी। फिर वे विचार करने लगे, बालिका की निर्धन अवस्था, उसके फटे पुराने कपड़े,
नई साड़ी देने वाला और उसकी स्वीकृति देने वाला आदि ये सब उस परमात्मा द्वारा निर्देशित था। दास गुण को उस नौकरानी द्वारा प्रत्याश में यह शिक्षा मिली कि जो कुछ स्वयं के पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, उसी में कल्याण है। साईं बाबा उसको स्वयं इसका अर्थ बता सकते थे, चाहे वे कितने शब्दों का प्रयोग करते तो भी तत्व ज्ञान उनकी समझ में नहीं आता जितना एक अनुभव से आ गया। इसीलिए उन्होंने दास गुण को काका साहब की नौकरानी के पास भेजा। परमात्मा कण कण में मौजूद है, यह सारा संसार उस परमात्मा द्वारा संचालित हो रहा है और वही सबके अंतर मन में समाकर यह खेल खेलता है। बाबा और उस नौकरानी में कोई अंतर नहीं है, यही समझाने के लिए दास गुण को बाबा ने वहाँ भेजा था।